नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, यदि गर्मी के मौसम में आपकी डिलीवरी है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को 40 दिन आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बताऊँगी। वैसे जो चीज़ मैं बताऊँगी आप वो 40 दिनों के बाद ही फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 40 दिन यानी कि सवा महीना जो है आपको जो भी मैं बताऊँगी वो फॉलो करना होगा, तभी जाके जो है आप डिलीवरी के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो पाएंगी और पहले की तरह बन पाएंगी। दोस्तों इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी यानी कि महिलाओं के लिए बताऊंगी कि उन्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है बेबी एंड चाइल्ड केयर, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने बच्चों के बारे में बताया है। मतलब यह है कि यदि आपका बच्चा गर्मी के मौसम में पैदा हो रहा है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहां जाके वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान क्या क्या रखना है, पहला तो ये ध्यान रखना है अपने खाने पीने का। तो खाने पीने का ध्यान क्या रखना है, इस समय आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है, जितना हल्का आप खा सकें उतना आपके लिए बेहतर है। इस समय आपको मसूर की दाल लेनी चाहिए और वो भी बहुत ही ज़्यादा पतली, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी दाल लेंगे तो आप पचा नहीं पाओगे, इसलिए आपको बहुत ही हल्की दाल लेनी चाहिए जो कि आप आसानी से पचा लें। इसके अलावा आपको लेना है दलिया, क्योंकि इससे दूध बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा आपको लेना है अजवाइन, आप चाहें तो आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं या फिर आप सब्जी वगैरह में अजवाइन डाल के खा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है वो ये कि आपको इस समय गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी या नॉर्मल पानी भी नहीं पीना। 40 दिनों तक आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मेरी डिलीवरी भी अप्रैल में हुई थी और मेरी घर में एक डिलीवरी और हुई थी जो कि मई में हुई थी, लेकिन उनको भी आधे जून तक गुनगुना पानी ही पीना पड़ा, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं की अंदर से सिकाई होनी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि आप गर्म गर्म चीज़ें खा के ही कर सकती हैं। तो इस समय आपको गर्म पानी ही पीना चाहिए और इससे आपका पेट भी बहुत जल्दी कम होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद सभी महिलाओं का पेट नॉर्मली बाहर निकल ही जाता है। तो आप ऐसी चीज़ें खाएंगी जो कि गर्म गर्म हो तो इससे आपका पेट भी बहुत जल्दी अंदर चला जाता है और आप पहले वाले शेप में बहुत जल्दी आ जाते हो। तो आपको इस समय गुनगुना पानी ही पीना है, और ठंडा पानी ठंडी चीज़ें तो भूल ही जाइए कि मैं कुछ खाऊंगी, बिल्कुल भूल से भी नहीं खाना, ठीक है, जानबूझ के तो खाना ही नहीं है, भूल से भी आपको नहीं खाना ठंडी चीज़ें, कुछ भी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी या फ्रिज में से कुछ भी आप निकाल के खाने लग जाते हो तो बिल्कुल नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो भी खाना खाइए बिल्कुल गर्म खाना खाइए, ठंडा खाना आपको नहीं खाना, यानी कि गर्म खाना भी खाना है। दोस्तों इस समय होता ये है कि आपको रोटी भी बहुत कम दी जाती है, एक या फिर दो रोटी दी जाती है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि आप भूखे रहते हो, इसका मतलब यह है कि आप उसके जगह कुछ और भी खा सकते हैं, जैसे कि फल खा सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप ले सकते हो। वैसे तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हर एक घर में बनते हैं, तो आपके घर में बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो कहीं से बनवा लीजिएगा। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उन सभी को मिला के, आटा मिला के, घी मिला के लड्डू तैयार किया जाता है और उसे गर्भवती महिला को खाने के लिए दिया जाता है। तो वो लड्डू ज़रूर आपको खाना है, खाना ही खाना है, ठीक है, आपको पसंद हो या ना हो, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनवा के जरूर खाइए। दोस्तों अगर खाने की बात ही करें तो इस समय आपको दही वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब आपका बच्चा दूध पीता है तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिससे कि आपके बच्चे को जुकाम होने की संभावना हो। तो कोशिश करें कि शुरुआत के 40 दिन आप दही छाछ वगैरह ना लें, यह आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बाकी दोस्तों आप चाहें तो आप सलाद वगैरह खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा देखिए इस समय होता ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जो कि नॉर्मली 1.5 महीने तक होती है, और स्टार्टिंग के 8-10 दिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इस समय आपको साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आपके टाँके लगे हैं, टाँके भी दो तरीके के हैं, एक तो नॉर्मल डिलीवरी वाले और एक सिजरियन डिलीवरी वाले, तो आपको टाँका कोई सा भी लगा हो उसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने की वजह से जलन वगैरह हो सकती है, इसलिए साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और डॉक्टर ने अगर कोई ट्यूब लगाने के लिए दिया है, कोई दवाई खाने के लिए दी है, तो उसको टाइम पे लें, ठीक है। बाकी दोस्तों आप ब्लीडिंग के लिए जो मैटरनिटी पैड यूज कर रहे हैं, सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं, उसको भी कोशिश करें कि 3-4 घंटे 5 घंटे के अंदर चेंज कर लें, क्योंकि उससे ज़्यादा देर तक लगा के रखना ठीक नहीं है, तो उसको भी टाइम पे चेंज करें। इसके अलावा कॉटन के कपड़े पहने, आरामदायक कपड़े पहने, क्योंकि इस समय आपको टाइट कपड़े पहनना या फिर कुछ अलग कपड़े पहनना ठीक नहीं है, तो कॉटन के कपड़े ही पहने, और हो सके तो कॉटन के आप गाउन वगैरह पहन सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। बाकी दोस्तों इसके अलावा एक ध्यान और रखना है कि इस समय आप जब अपने बच्चों को गोदी में लेती हैं या फिर आप बैठती हैं तो आपको पालथीन मार के नहीं बैठना, आपको पैर बिल्कुल सीधा करके फिर बैठना है, क्योंकि यदि आपका टाँका लगा है
तब भी आपका टाँका खुल जाएगा यदि आप पालथीन मार के बैठेंगी, और इस समय बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है प्राइवेट पार्ट में, तो आपको जो है पालथीन मार के नहीं बैठना जब तक कि आपका टाँका ठीक नहीं हो जाता। कुल मिला के कम से कम एक महीने तक, या फिर आप मान सकते हैं 40 दिनों तक जो है आपको सीधा ही पैर करके बैठना होगा, पालथीन मार के आपको नहीं बैठना है। बाकी दोस्तों यदि आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको ध्यान रखना है अपने टाँकों का कि आपके पेट पे बिल्कुल भी जोर ना पड़े, तो कभी भी झटके से ना उठें कि आपके टाँके पे जोर पड़े। इसलिए जब भी उठें आप करवट लेके फिर उठें, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर सिजेरियन, तो हमेशा करवट लें, उसके बाद ही आप बेड से उठें और उसके बाद जहां आपको जाना है वहां जाएं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों हमें मालूम है कि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स देते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद भी आपको कैल्शियम, आयरन और मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स दिए जाते हैं, तो उनको भी ज़रूर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरत है कैल्शियम, आयरन और मल्टीविटामिन, क्योंकि आपके शरीर से बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम, आयरन और मल्टीविटामिन। अगर आपके डॉक्टर नहीं दे रहे हैं तो उनसे बात करके ज़रूर लीजिए, और डॉक्टर ने दे भी दिया है तो उसको बिल्कुल टाइम पे लीजिए, क्योंकि टाइम पे खाएंगे तभी आप अच्छे से और जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है वो ये कि आप प्रेगनेंसी के 10 दिनों के बाद जो है टहल सकती हैं, क्योंकि जब मेरी डिलीवरी का 10 डेज हो गया था तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अब आप टहल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत देर के लिए शाम में या फिर सुबह में जो आप टहल के आ सकते हो, तो आप चाहें तो आप भी थोड़ी बहुत देर के लिए टहल सकते हैं, और आप 40 दिनों के बाद आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ महिलाएं तो 10-15 दिन के बाद या फिर एक महीने के बाद ही एक्सरसाइज करने लग जाती हैं, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आराम से आराम करें, और यही मौका मिलता है महिलाओं को आराम करने का, और उसके बाद ही अपना वजन कम करने के बारे में सोचें और एक्सरसाइज पर ध्यान दें। तो आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि आपको जो है अपने प्राइवेट एरिया को गीला नहीं रखना, इससे आपको खुजली, इरिटेशन हो सकता है, तो कोशिश करें कि अपने प्राइवेट एरिया को कभी भी गीला ना रखें। दोस्तों हमें पता है ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए हम पैड का इस्तेमाल करते हैं, जो भी ब्लड होता है वो पैड सोख लेता है, और मैंने आपको बताया कि पैड आपको टाइम पे चेंज कर लेना है, तो उसे टाइम पे चेंज करेंगे तो गीलापन नहीं आएगा, और कोशिश करें कि टाइम टू टाइम डिटॉल से जो है अपने प्राइवेट एरिया को साफ करते रहें। और दोस्तों जब टाका लगा जाता है तो डॉक्टर आपको गर्म पानी में बैठने के लिए बोलते हैं, सिकाई करने के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए वो कोई दवाई भी देते हैं, तो वो दवाई आप ज़रूर ले लीजिएगा उनसे, और उसको पानी में डाल के फिर पानी में बैठिएगा, तो उससे आपको दर्द में भी राहत मिलेगा और आपका टाका भी बहुत जल्दी ठीक होगा। बाकी दोस्तों बहुत सारी महिलाओं को डिलीवरी के बाद पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब ये कि जहाँ से पोटी करते हैं वहाँ पर काफ़ी दर्द होता है, वहाँ से ब्लड आ जाता है। दोस्तों यदि आप गर्म पानी में बैठती हैं तो आपको उस दर्द में भी राहत मिलेगा, पाइल्स वाले दर्द में। लेकिन दोस्तों मेरी सलाह यही रहेगी, यदि आपको पाइल्स हो गया है, पोटी करते समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है और उसकी दवाई लेके आनी है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। बाकी दोस्तों इस समय आपका पाचन तंत्र इतने अच्छे से काम नहीं करता कि आप कुछ भी खा लो, इसलिए कुछ भी हैवी ना खाएं, और मैंने आपको बताया हल्का फुल्का खाएं, तो हल्का फुल्का ही खाएं ताकि आपका पेट अच्छे से पचा पाए और आपको कब्ज की प्रॉब्लम ना हो। कब्ज की प्रॉब्लम होगी तो पाइल्स में भी दिक्कत आएगी और आपको पोटी करते समय दर्द भी होगा, और ढंग से अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो आप वैसे ही परेशान हो गए। इसलिए हल्का फुल्का खाएं, और कब्ज़ की प्रॉब्लम हो रही है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर से तुरंत जाके मिलें, उनसे दवाई लेके आएं। दोस्तों आपको इस समय ध्यान और रखना है, इस समय आपको पंखा तेज नहीं चलाना। नॉर्मली दोस्तों आप अपने बच्चे के साथ लेटे रहते हो तो कहा जाता है कि इस समय आपको जो है बच्चे के सामने बिल्कुल भी पंखा नहीं चलाना चाहिए, या फिर बहुत मंदा चलाना चाहिए, मतलब कि पंखे में 5 पॉइंट होते हैं तो आपको मुश्किल से 1 पॉइंट पे पंखा चलाना चाहिए, बहुत ही हल्का चलना चाहिए, बच्चे को हवा नहीं लगनी चाहिए। या फिर आपके घर में एसी भी चल रही है तो एसी 25 से ऊपर ही रहना चाहिए टेम्परेचर, उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि 25 से 24 भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों डिलीवरी के बाद आपका शरीर भी काफ़ी नाजुक हो जाता है, इसलिए अगर आपको भी हवा लगेगी तो आप भी बीमार पड़ जाओगे, इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भी हवा नहीं लगना। और नॉर्मली गाँव में, और मेरे साथ भी ये होता था, मुझे बिल्कुल गर्म पानी से नहलाया जाता था, और आई थिंक कि आपके यहाँ भी यह रिवाज होगा, अगर नहीं है तो फिर भी गुनगुना पानी से ही नहाएं, ठंडे पानी से ना नहाएं, क्योंकि आप बीमार पड़ जाएंगे और आपका बच्चा भी बीमार पड़ सकता है, क्योंकि वो आपका दूध पीता है। अगर आपका दूध नहीं भी पीता है तब भी आपको गर्म पानी से ही नहाना है, मतलब कि गुनगुने पानी से नहाना है, तो 40 दिनों तक गुनगुने पानी से ही नहाइए। और दोस्तों नहाने के तुरंत बाद क्या करना है, आपको चादर ओढ़ के लेट जाना है, पंखा नहीं चलाना, चादर ओढ़ के लेट जाना है जब तक कि आपको पसीना ना आ जाए। ऐसा दोस्तों हमारे यहाँ रिवाज है, आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई जानना चाहता है क्या करना है तो ये करना है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है नहीं ठीक नहीं है, कंफर्टेबल नहीं हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुंह ढक के ना भी सोएं, लेकिन नहाने के बाद थोड़ी देर लेट जाएं, ठीक है, तो ये काम जरूर करें। बाकी दोस्तों हमारे यहाँ एक रिवाज और है, जब तक नामकरण नहीं हो जाता तब तक बाल नहीं काटते हैं, मतलब कि जो बालों में कंघी नहीं करते हैं, बाल वॉश तो डेली कर देते हैं शैम्पू से बढ़िया से, लेकिन
बालों में कंघी नहीं करने देते। तो आप ये मान के चलो कि मेरे बेबी का जो नामकरण था 21 दिनों के बाद पड़ा था, तो मेरे बाल जो 21 दिनों के बाद कंघी से कड़े थे। कहा जाता है कि इस समय बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, सर काफ़ी नाजुक हो जाता है, तो कंघी करेंगे तो सर पे असर पड़ेगा और आगे आने वाले समय में सर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, सर दर्द की परेशानी हो जाएगी, इसलिए कंघी भी नहीं करते। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता था सच में, क्योंकि तेल लगा देते थे और अच्छे से लगाते थे तेल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंघी नहीं करते। तो मेरा मन तो बहुत विचलित होता था कि भाई कंघी कर तो दो, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होता था। तो कोई बात नहीं, घर में रहना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके घर में भी यह नियम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोशिश करें कि अपने बालों को तेज़ तेज़ ना काटें, मतलब कि कंघी तेज़ तेज़ ना करें, आराम आराम से कंघी करें ताकि आपके सर पे जोड़ ना पड़े, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी दोस्तों, इसके अलावा इस समय कहा जाता है कि गर्भवती महिला को अपने सर को और अपने कान को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हवा नहीं लगनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको अपना सर ढकना है या नहीं ढकना है, आपको अपने कान ढकने या नहीं ढकने, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से ना ही ढके तो बेहतर है। तो इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी काम जो कि आपको 40 दिनों तक करवाना चाहिए, वो क्या है, वो है आपकी मालिश। दोस्तों, मालिश करवाने से गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, उनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो मालिश करने से मांसपेशियों में मजबूती आती है और मांसपेशी स्ट्रांग बनते हैं। तो दोस्तों, मालिश ज़रूर करवाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले ही पता करके रखना है आपके आसपास कौन मालिश करती है, कहाँ पे है वो, तो उसे जाके पहले ही बात कर लीजिए, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाएगी तो फिर कई बार टाइम नहीं मिल पाता और बहुत सारी महिलाएं मालिश के बिना वंचित रह जाती हैं, इसलिए आपको मालिश वाली पहले ढूंढ के रखनी है और मालिश ज़रूर करवानी है। और दोस्तों, जब मालिश वाली मिल जाएगी तो उससे अपने बच्चे की मालिश भी करवा लीजिए, क्योंकि उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है और वो बहुत अच्छे से मालिश करती हैं। बाकी दोस्तों, मालिश करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको बहुत अच्छी नींद आती है। इस समय वैसे बच्चा सोने नहीं देता, लेकिन आप मालिश करवा लेते हो और जितने देर भी सोते हो मस्त सोते हो, इसलिए आपको मालिश भी ज़रूर करवानी है। बाकी दोस्तों, बच्चे की बात आ ही गई है तो हमें पता है कि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, लेकिन वो लगातार नहीं सोते हैं, कभी भी जग जाते हैं, तो इससे कई बार रात में नींद ख़राब हो जाती है। लेकिन यदि आपका बच्चा सो गया है तो आप उस समय जो है अपनी फ्रेंड से बात करने में या फिर टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में अपने समय को व्यर्थ ना करें, कोशिश करें कि आप भी सो जाएं। आपको अपनी नींद बच्चे के साथ ही पूरी करनी है, नहीं तो आप नींद पूरी नहीं कर पाओगे और आप इरिटेट होगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, तो एक इस बात का भी ध्यान रखिए। और दोस्तों, मोबाइल की बात हो ही गई है तो इस बात का ध्यान रखें, इस समय आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, तो धूप में नहीं जाना है, दूसरी बात मोबाइल नहीं चलाना है, बहुत कम चलाना है, इंपॉर्टेंट है तो ही मोबाइल को हाथ में लीजिए, नहीं तो मोबाइल, टीवी, किताब या फिर कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि आपकी आंखों पे जोर पड़े। कोशिश करें कि जितना हो सके आराम करें। और दोस्तों, इस समय आपको ज़्यादा बात भी नहीं बनाना, ज़्यादा बात भी नहीं करना, क्योंकि आप बोलोगे एनर्जी वेस्ट होगी और इससे आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको ज़्यादा बात भी नहीं करना है, जितना हो सके आराम करने की कोशिश करें। तो जैसे कि हमें मालूम है कि गर्मी के मौसम में कई जगह मच्छर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और हमें यह भी मालूम है कि बच्चे के लिए ऑल आउट या फिर मॉर्टिन ठीक नहीं होता, तो आपको करना है कि आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना है, क्योंकि आप बच्चों के लिए तो मच्छरदानी ले आएंगे, क्योंकि बच्चे का बेड आता है उसमें मच्छरदानी लगा हुआ आता है, उसके लिए तो वो इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन आप अपने लिए क्या करोगे, मच्छर तो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आप उसे दिख जाओगे और कोई उपाय नहीं करोगे तो आपको काटेगा ही, इसलिए आपको क्या करना है, मच्छरदानी का इंतजाम करना है। तो नॉर्मली सभी महिलाएं लगभग इस समय अपने पेट पर कोई कपड़ा बांधती हैं या फिर मैटरनिटी बेल्ट आता है वो बांधती हैं, तो आप मैटरनिटी बेल्ट लेके आइए या फिर अपने पेट पर कोई कपड़ा बांध लीजिए, इससे आपका पेट भी कम होता है और साथ ही साथ इस समय कमर में और पेट में दर्द होता है तो उसमें भी आराम मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक काम और करना है, इस समय टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इस समय नॉर्मली बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाता है और इससे आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं जो कि आजीवन काल के लिए हो जाती हैं। और आपको अपने बच्चे की देखभाल करनी होती है तो आपको टेंशन नहीं लेना, अगर आप लोगे तो कुछ सोचो उसकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल ना लें। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि आप इस समय मसालेदार चटपटा खाना खा सकते हैं, लेकिन केवल एक दिन, जिस दिन नामकरण होगा उसी दिन मिलता है खाने को, नहीं तो नहीं मिलता। उस समय घर में जो भी चीज़ें बनती हैं दावत के लिए, वो सभी चीज़ें आपको खाने का पूरा मौका मिलता है, आप उस समय भरपेट अपनी पसंद की चीज़ें खा सकती हैं और उसके बाद आपका अगले दिन से फिर से वही काम हो जाएगा। और आई थिंक कि मैंने सारी बातें बता दी हैं, कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।